हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हम माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हम माथे पर जो तिलक लगाते हैं उसके दो कारण बताए जाते हैं। जो पहला कारण है वो है कि इसका धार्मिक महत्व जो है वो क्या है, और जो माथे पर तिलक लगाने का दूसरा कारण होता है वो कारण होता है कि उसका जो साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक महत्व क्या होता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब जैसे कि सनातन धर्म में मतलब कि हमारे धर्म में तिलक लगाने को काफ़ी शुभ माना गया है। मान्यता के अनुसार तिलक लगाने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि कुंडली में मौजूद जो उग्र ग्रह होते हैं वह शांत हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम सामान्य दिनों में और किसी पर्व के समय या फिर किसी उत्सव के समय हम अलग अलग टीके लगाते हैं, जिसके अलग अलग प्रयोग भी होते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब तिलक लगाने में जो सबसे ज़्यादा लाभकारी तिलक माना जाता है वो चंदन का तिलक माना जाता है। चंदन का जो तिलक होता है वह सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हम माथे पर जो तिलक लगाते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। अब जैसे कि माथे पर तिलक लगाने का जो धार्मिक महत्व होता है वो क्या होता है, शास्त्रों के अनुसार माथे पर तिलक लगाने का विशेष कारण बताया गया है और इसके विशेष महत्व भी होते हैं। तिलक लगाने से हमारे जो ग्रह होते हैं वह शांत होते हैं और जो उनकी स्थिति होती है वो भी सही होती है, और इससे अटके हुए जो हमारे काम होते हैं वो भी पूरे होते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिन के अनुसार तिलक लगाने से अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर हम सोमवार के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं तो उससे हमारा जो मन होता है वह शांत होता है, और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में जो हमारा तिलक होता है उसको मिलाकर लगाने से हमारा मंगलमय होता है, हमारे जो सभी कार्य होते हैं वो मंगलमय होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने तिलक के बारे में जाना कि तिलक लगाने से क्या फ़ायदा होता है और इसका धार्मिक महत्व भी क्या होता है। तो दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका साइंटिफिक तथ्य बताएंगे, मतलब कि हम माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, उसके पीछे की वैज्ञानिक महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।